दोस्तों आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जब हमने बाइबल के सत्य को नहीं जाना, जब हम बाइबल को नहीं जानते थे, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो संसार में रहकर ना जाने कितनी ही बुराइयों से, कितने ही पापों से, कितने अधर्म के कामों से हम भरे हुए थे। हम बुरा करते थे फिर भी लोगों को अच्छे लगते थे, हम बुराई करते थे, हम गाली निकालते थे, निंदा करते थे, अपमान करते थे, बहुत सी बातें ठट्टा करते थे, व्यभिचार करते थे, बहुत से ऐसे गुनाह हमारे अंदर थे, लेकिन फिर भी संसार हमसे बैर नहीं करता था, लेकिन संसार फिर भी हमें कुछ नहीं कहता था, हमें कोई भी कुछ कहता नहीं था। लेकिन जब हमने सत्य को जान लिया, जब हम यीशु मसीह में आ गए, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब लोग हमसे चिढ़ते हैं, लोग हमें तरह तरह की बातें कहते हैं, लोग हमारा स्ताव करते हैं, लोग हमारा विरोध करते हैं, घर में विरोध होता है, परिवार में विरोध होता है, दोस्त दूर हो गए, फैमिली के लोग दूर हो गए, बहुत सी बातें अब हमें सामना करनी पड़ रही हैं। लेकिन जब हम बुरे थे तो लोग हमसे प्रेम भी करते थे, कोई बात नहीं, होता रहता है, गलतियां होती हैं, गलतियां सुधर जाएगी। लेकिन जब हमने सत्य को जान लिया और जब हम परमेश्वर की ओर फिर गए, तो एकदम से सिचुएशंस कैसे बदल गई। अब मैं गुनाह नहीं करता हूँ, अब मैं पाप भी नहीं करता हूँ, अब मैं जानबूझकर गलतियाँ नहीं करता हूँ, मुझसे हो जाती है तो मैं परमेश्वर के पास जाकर माफ़ी मांगता हूँ, और अब मैं बुराई नहीं करता, मैं कुछ भी ऐसे काम नहीं करता जो समाज को, जो जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, उस समाज के प्रति कोई हानि हो उस मेरे कामों के द्वारा। लेकिन वो लोग मुझसे क्यों विरोध करते हैं? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, मेरे नाम से लोग तुमसे बैर रखेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें झूठी झूठी बुरी बुरी बातें कहेंगे, तुम आनंदित होना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जब हम संसार में थे, जब हम संसार के थे, संसार हमसे प्रेम रखता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, तब यीशु मसीह ने हमें संसार से अलग कर लिया, चुन लिया। और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह ने हमको चुन लिया, तो हम संसार से अलग हो गए। और अलग होने के बाद में अब संसार हमें देखता है कि इसने धर्म बदल लिया, इसने जात बदल ली, इसने ये कर लिया, इसने लालच लिया होगा, इसने पैसे लिए होंगे, ये तरह तरह की बातें। लेकिन हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस परमेश्वर की ओर हम फिरे हैं और जो परमेश्वर हमारे जीवन में आया है, वो धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं आया, वो विरोध और सताव कराने के लिए नहीं आया, वो हमारे जीवनों को बदलने के लिए आया है। लेकिन जब हम सत्य को जान लेते हैं, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं, तो विरोधी तो अपने आप ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सत्य जब प्रकट होता है तो झूठ को दिक्कत होती है, और संसार में तो झूठ फैला हुआ है। तो आप लोग जरूर मेरा एक छोटा सा मैसेज समझ गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट जरूर करिए।